हेलो गाइस, व्हाट्स अप। मैं हूँ आपका अपना शहनशाह सूरी खान। तो मैं जा रहा हूँ मुंबई। मुंबई का सफ़र बहुत ही मुश्किल होता है गाइस। अभी मैंने मेरा सीट रिजर्व करवाई थी लेकिन वो मुझे मिल नहीं पाई, किसी वजह से वो कैंसिल हो गई। तो मैंने लोकल डब्बा पकड़ा और लोकल डब्बे में बहुत भीड़ होती है गाइस, तो उसमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और फिर फाइनली मैं 16 घंटे के सफ़र के बाद पहुँच गया मुंबई। मुंबई उतरते ही मैंने आउटकास्ट नाम से एक कास्टिंग कंपनी, वहाँ पर ऑडिशन दिया और वहाँ पे बहुत ही अच्छा रहा ऑडिशन मेरा। फिर मैं गया वहाँ से एंटी कास्टिंग, और फिर उसके वहाँ से गया मैं अपने क्या कहते हैं अलग अलग कास्टिंग एजेंसीज़ में, और मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिए, ऑडिशन दिए, और मेरा सफ़र ऐसे ही चलता रहा। मुंबई का पहला दिन बहुत ही हार्ड था। सब मैं हूँ आपका अपना शहनशाह सूरी खान, और आज मैं आया हूँ रामनगर सेकंड गली के अंदर, और यहाँ पे बहुत सारे ऑडिशंस देने आया हूँ मैं आज। खूब मेहनत करनी है, मुंबई का पहला दिन है और इस बार मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा, और इस बार बहुत अच्छा रोल मुझे मिले मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो आप सब बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग के अंदर, और देखिए कहाँ कहाँ ऑडिशन देने जाते हैं रामनगर मुंबई में। ये देखिए गाइस, ये है वर्सोवा, और बहुत धूप लग रही है और परेशानी भी होती है जब काम ढूंढता है इंसान, और एक्टिंग ऐसी फील्ड है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो बस दिल को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है इस फील्ड में और बढ़ते रहना चाहिए आगे। ये मत सोचो कि एक फिल्म बना के आप हीरो बन गए, एक फिल्म से कुछ नहीं होता। लोग हज़ारों फिल्में कर लेते हैं जिसमें 500 फ्लॉप हो जाती हैं और 500 ही चल पाती हैं, तो कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, यही कहना चाहूँगा आपको। और काफ़ी दूर चलने के बाद मैं पहुँच गया हूँ मुकेश छावड़ा प्रोडक्शन हाउस। ये देखिए मुकेश छावड़ा जी ने कितने सारे फिल्म्स की कास्टिंग की है, और ये इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उनका बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्शन भी है। तो गाइस, ये मैं रूम की तरफ जा रहा हूँ, जो मैंने अभी मुंबई में नया रूम लिया है, और वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है तो चढ़ के जाना पड़ता है वहाँ तक। तो मैं अब चढ़ के जा रहा हूँ वहाँ तक, और मैं काफ़ी खाप गया हूँ। काफी ज्यादा ऊपर है ये, और मेरी हालत टाइट हो जाती है नेचर। और ये है मुंबई का मेरा छोटू सा कमरा। देखिए गाइस, कितने छोटे कमरे होते हैं मुंबई के अंदर जब हम मुंबई में स्ट्रगल करने आते हैं। और ये छोटू सा किचन, ये छोटू सा बाथरूम, और ऐसे ही चलता रहता है बस मुंबई का सफ़र। और बहुत मेहनत करके बनता है कोई भी एक्टर, अपने करियर में कुछ हासिल करता है तो आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसको आप डिमोटिवेट करें ज़िंदगी में।
तो बस यही कहूँगा, सपोर्ट करो मेरे वीडियो को, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। बाय बाय गाइस।